दिए हैं, हमें नॉमिनेशन कैसे होगा इस पर सारे ट्रेनिंग संबंधित आर ओ या आर ओ दी गई है। इस पर भी आयोग का निर्देश है और हम लोग भी चाहते हैं कि ऑनलाइन नॉमिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो लोगों का यहाँ पर आने का आना तो पड़ेगा ही, इसके लिए पर आना ही पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, परंतु ज़्यादातर काम ऑनलाइन में हो जाएगा, तो इधर उधर कागजी प्रक्रिया और भीड़ भाड़ लगने की संभावना कम रहेगा। इसी प्रकार आपका मैं बता दूं कि इन विधानसभाओं में कुशेश्वर स्थान में 2,50,595 वोटर हैं, गोडावरा में 2,52,010 वोटर हैं, बेनीपुर में 2,88,846 वोटर हैं, अलीनगर में 2,75,254 और दरभंगा रूरल में 2,90,437 वोटर हैं। तो इस चरण में कुल 13,57,142 वोटरों का अपने मताधिकार प्रयोग करने का अवसर मिलेगा, जिसमें से पोलिंग स्टेशन का अगर देखा जाए 1935 हमारा टोटल पोलिंग स्टेशन 2,755 था, यानी 2,755 था, वो जो बढ़कर के 4,16 हो गया, और उसमें से 1935 बूथों में 3 तारीख को मतदान होगा। और इसमें आप लोग जानते ही हैं पीडब्ल्यूडी वोटर और 80+ वोटर के लिए पोस्टल बैलेट का भी व्यवस्था की गई है। तब मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी वोटर और 80+ को पोस्टल बैलेट भी कर सकते हैं, या वो प्रिफर करेंगे तो बूथ में भी जा सकते हैं, बट वंस वो फिर पोस्टल बैलेट का ये ऑप्शन चुन लिए तो बूथ में वो नहीं जा सकते। हमारे BLO आज से जाना शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 घंटे की प्रक्रिया जारी रहेगा। इनको चिन्हित किया गया है, 500 में PWD यानी जो दिव्यांग लोग विकलांग जो फिजिकली हैंडीकैप्ड 8,027 इन घरों में जाया जाएगा और पूछा जाएगा आप क्या करना चाहते हैं। वंस वो फॉर्म 12D भर देंगे कि हम बूथ में नहीं जाना चाहेंगे, बाद में जब वोटिंग का अवसर आएगा वो बाद में नहीं जा सकेंगे, वो मार्क हो जाएंगे और पुनः उनके घर में RO के स्तर से अपॉइंटमेंट को उनसे वोटिंग दिया जाएगा। यह प्रक्रिया है और दोनों ऑप्शन का पावती बना करके हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, लोगों को जो इच्छा है अगर हो सकता है लोग इतना वेट करेंगे, नहीं हम बूथ पर ही जाना प्रेफर करेंगे माहौल और उत्साह के साथ, या लोग प्रेफर करेंगे नहीं हम पोस्टल बैलेट उपयोग करेंगे, जैसा भी लोगों की इच्छा हो उसके अनुसार काम होगा। तो ये इस बार जो नया गाइडलाइन है उसके अनुसार है। विधान परिषद इलेक्शन के बारे में मैं कुछ बता देना चाहूँगा। विधान परिषद इलेक्शन में जो 22 तारीख को होना है उसके लिए पोलिंग पार्टी और सारे जो ट्रेनिंग चल रहा है मटेरियल भी तैयार हो रहे हैं, तो उसमें दो इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना जरूरी है। जैसे MLA इलेक्शन में वोटर स्लिप तो बांटे ही जाएंगे DL के माध्यम से लास्ट में, लेकिन वोटर स्लिप केवल वोटर स्लिप से कोई वोट नहीं दे सकता, वोटर स्लिप के साथ एपिक कार्ड या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित जो कागज है डॉक्यूमेंट्स हैं 11 टाइप का डॉक्यूमेंट्स वो जरूरी है। MLA इलेक्शन के लिए क्या 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सहित, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड फोटोग्राफ सहित, ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड जो MLA को दिए जाते हैं। इन 11 डॉक्यूमेंट जो हैं ये MLA इलेक्शन के लिए अनुमानित होगा और MLC इलेक्शन के लिए इससे भिन्न है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, सर्विस आइडेंटी कार्ड है, ऑफिशियल आइडेंटी कार्ड MLA है, सर्विस आइडेंटी कार्ड इशूड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनमें से रखकर साथ में भी एम्प्लॉयड, यानी जिस संस्थान में वो काम कर रहे हैं टीचर, उनका जो संबंधित इंस्टीट्यूशन संस्थान से जो निर्गत किए गए पहचान पत्र भी अनुमान्य होगा,
शिक्षक क्षेत्र के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री डिप्लोमा इन यूनिवर्सिटी वो भी अनुमान्य होगा, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप कंप्लीट होना होता है। ये सारे हम लोग आपको दे दे रहे हैं। एमएलए इलेक्शन के लिए कौन सा कार्ड चाहिए और एमएलसी इलेक्शन के लिए क्या अंतर है ये आपको रख लेना होगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरा अनुरोध करूंगा, लोगों को ये समझाना जरूरी है कि केवल वोटर स्लिप से नहीं हो पाएगा, वोटर स्लिप के साथ एपिक कार्ड चाहिए या एमएलए इलेक्शन के लिए निर्धारित किया 11 डॉक्यूमेंट या एमएलसी इलेक्शन के लिए निर्धारित किया 9 डॉक्यूमेंट में से ये होना चाहिए। वोटर स्लिप के बिना हो सकता है लेकिन केवल वोटर स्लिप से नहीं हो सकता, ये साफ करना चाहेंगे। और इस बार जो इंक लगेगा उसमें भी अंतर है, जैसे विधान परिषद इलेक्शन के लिए स्नातक के लिए फोर फिंगर में लगेगा, दाहिने हाथ का फोर फिंगर में लगेगा और शिक्षक के लिए मिडिल फिंगर में लगेगा, दाहिने हाथ का मिडिल फिंगर में लगेगा। और आम चुनाव जो विधान सभा के लिए होगा वो लेफ्ट हैंड बाएं हाथ का फोर फिंगर में लगेगा। तो ये अलग व्यवस्था इसलिए कि एक साथ चुनाव हो रहा है ताकि लोग कंफ्यूजन नहीं, इस पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से हम देना चाहेंगे। और बाकी तो जब चुनाव घोषित हुआ उस समय भी हम लोगों ने दिया था विस्तार से इन्फॉर्मेशन, और आज स्पेशली नॉमिनेशन का ही था तो मैं अनुरोध करूँगा SSK साहब आप लोगों को संबोधित चिन्हित किए गए हैं, इनको क्षमता निर्धारण की गई है कि फलाना ग्राउंड में कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रह सकते हैं, यानी 3 square feet का जो रेडियस है उसके हिसाब से ये बनाएगी, वो भी हम लोग आपको व्हाट्सएप में दे देंगे। तो उस क्षमता के ऊपर कोई राजनीतिक दल वहाँ पर रैली कर नहीं सकता, पहले हो सकता है 5,000-6,000 की क्षमता रहा हो लेकिन अभी उसमें जितना हम लोग क्षमता दे रहे हैं उतना ही कर सकता है। उसको वायलेशन अगर होगा तो आपदा अधिनियम का 51 से 60 तो बीच में धाराएं हैं जो अभी आप लोग जानते हैं कि कोविड का जो भी गाइडलाइन है वो तो आपदा अधिनियम से गवर्न होता है, तो उसके तहत आप CRPC का 188 है PC, क्योंकि मेरा 144 जो निकला है आदेश उसमें भी ये सब बातें अंकित की गई है, इसलिए आपदा अधिनियम के तहत और 188 IPC के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग सोशल नॉर्म्स जो कोविड के संदर्भ में गाइडलाइंस निकला है वो उस पर हम लोग प्रकाश डालना चाहेंगे। इसके अलावा एक और बात आपके माध्यम से आज हम लोग देना चाहेंगे, ग्रुप में हम लोग डाल देंगे, दशहरा जिस प्रकार मनाना है उस पर भी गाइडलाइंस राज्य सरकार पर व्यापक रूप से जारी है, वो भी हम लोग आपके व्हाट्सएप में डाल देंगे। तो उसको भी आप लोग जैसे गाइडेंस आया है राज्य सरकार से उसको लोगों के बीच में प्रसारित की जाए, उसके संबंध में आज हम लोगों की मीटिंग भी है, फिर पदाधिकारी को भी हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भी और पूजा समितियों को और तीस कमिटी जो भी मंदिर का जो या पूजा समिति का जो प्रशासक हैं उनको भी आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि जानकारी मिल जाए इस बार दशहरा की व्यवस्था कैसी रहनी है, क्या रेगुलेशन कोविड के प्रति विस्तार से राज्य सरकार के आदेश निकला। इस बार तो पंडाल बनेगा, सागर जेता चौक पर में तो पंडाल का निर्माण शुरू हो चुका है। नहीं तो हम लोग आज करेंगे, हम लोग पता करेंगे। गवर्नमेंट का जो चिट्ठी आया है उसमें सिर्फ जहाँ भगवती बैठेगी वहीं पर थोड़ा सा पंडाल बनेगा, बाकी जो सजावट वगैरह होती थी सब 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 प्रकार के चीजें SP साहब से एक निवेदन करेंगे यहाँ लहसा थाना अंतर्गत। नहीं देखिए, सभी विधानसभाओं में पर्याप्त जगहों पर मैदान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर हर तरह का रैली हो सकते हैं, लेकिन चिन्हित किए गए क्षमता को एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर उसके अधिक आयोजक करेंगे वैसे आयोजक के विरुद्ध आपदा अधिनियम के तहत IPC के संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये डेस्टिनेशन का नाम है और उसका क्या बिल है वोचर जो भी है उसको रखाना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो जब्त होगा और जिला स्तर में एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के द्वारा जांच की जाएगी कि इसका स्रोत क्या है, अगर संदेहित है 10 लाख के ऊपर है तो डेफिनेटली हमको IT सेल को IT डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देना है,
अन्यथा अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो कमिटी निर्णय लेगी उस राशि को क्या करना। बट मैं तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जो जहां पर भी राशि बिजनेस एक्टिविटीज पेट्रोल बंक कई लोग ले जा रहे हैं उनको हिसाब रखना पड़ेगा। हिसाब रखने पर जब्त नहीं होगी, गलत तरह का लोग डरने का कोई जरूरत नहीं।